हाँ सर, आप योगी और मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मैं योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मैं उनसे ये चाहूंगा कि आप जो ये ढोंग धतूरा दुनिया भर का, आप भगवान राम कहीं गंगा सफाई कहीं, ये आपको मुख्यमंत्री तो नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए अगर कोई उम्मीदवार है तो वो हमारे हैं इस देश के सबसे होनहार यशस्वी मुख्यमंत्री, वो हैं अखिलेश यादव जी। माननीय आप अखिलेश भैया जी ने इतना काम किया, इतना विकास बढ़ाया कि आज हमारे गांव में या कहीं पर भी झगड़ा होती है 100 नंबर फोन कीजिए, 5 मिनट में झगड़ा को शांत कराने का काम 100 नंबर करती। ये योगदान, ये सबसे बड़ा काम किया तो वो अखिलेश भैया ने किया। अभी चाहे वो गरीब किसी कास्ट की किसी वर्ग की औरत हो या कहीं झगड़ा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें उससे कास्टली नहीं पूछा जाता है आप कौन से कास्ट के हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। उस एम्बुलेंस को 108 एम्बुलेंस लाने का काम किया माननीय आप अखिलेश भैया जी ने। लोग कहते थे कि उन्होंने यादवों को इतना छूट दे दिया है यादवों के लिए, लेकिन एम्बुलेंस 100 नंबर तो यादवों को नहीं ले जाती थी। कोई भी वर्ग था, कोई भी, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो या हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको वो बिठा करके ले जाती थी, जिला अस्पताल तक पहुंचाने का काम करती थी। इतना बड़ा काम किया हमारे अखिलेश भैया ने। जो भी गरीब भाई बहने थी, भाइया थे, जिनके घरों में कभी टीवी नहीं चलती थी, उस घरों में उन्होंने लैपटॉप बांट करके ये सबसे बड़ा योगदान किया। और उसके साथ साथ हमारी गरीब बहनों को, भाइयों को तमाम योजनाएं लाए, इंटर पास बहनों को विद्या कन्या धन, लैपटॉप वितरण किया। और फिर बाद में आते आते भैया ने 5 साल के कार्य में इतना विकास किया कि जो गरीबों के घर में छत नहीं था, घर नहीं था, उनको बनवाने के लिए लोहिया आवास का आवंटित किया, घर में सौर ऊर्जा प्रदान किया और तमाम नई नई योजनाएं लाए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अखिलेश भैया जैसा यशस्वी मुख्यमंत्री शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। मुझे बेहद दुख है, मैं इस दुख बात से कह रहा हूं कि अखिलेश भैया को लखनऊ की गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए था। नहीं, ए जनता, 2019 के चुनाव में तुम लोग एक होकर के इनको लखनऊ की गद्दी पर नहीं, दिल्ली की गद्दी पर बैठाओ। दिल्ली की गद्दी पर बैठने लायक हैं ये अखिलेश भैया, क्योंकि अगर अखिलेश भैया दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएंगे तो सारे देश के जात पात खत्म हो जाएंगे, कोई किसी जात पात में नहीं जाएगा। अन्यथा इस देश को बर्बाद करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने एक ऐसा पहलू कदम उठाया है जिससे हर जगह पर जातिवाद फैल रहा है। कहीं पर जाओ, कहीं पर भी, बस में जाओ, रोडवेज में जाओ, ट्रेन पे जाओ, कहीं भी जाओ, निकलो, घर से बाहर जाओ, ये जातिवाद हो गया। आप कौन सा कास्ट है, कौन सा ये है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि अखिलेश भैया ने जितना बड़ा काम किया है उस काम के पदवी को देखते हुए, उस काम को उनको एक सराहना देते हुए, मैं चाहूंगा कि मैं उनके ऊपर मैं कुछ ये कहना चाहता हूं। मैं बहुत दुख हूं, मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि अखिलेश भैया अगर मुख्यमंत्री होते तो आज हम लोगों को नौकरी मिलती। हम लोग इंटरव्यू ग्रेजुएशन पास करके हम लोग तमाम नौकरी खोज रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। मैं योगी जी से अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि योगी जी, ये जो आप रोडों पर, ये सड़कों पर जो आप गाय बैल छोड़े हैं, तमाम किसानों का फसल खा जा रही है, हमारा खेत में जाकर बैल गाय चल रही है सब, मैं चाहूंगा कि आप कहीं 100-150 बीघा का जमीन लेकर के गड़वा करके कटेन डलवा दीजिए और उसमें एक वैकेंसी निकालिए। ये बेरोजगारों के लिए जो मोदी जी ने 1 करोड़ नौकरी देने के लिए ऐलान किया था, वो यही नौकरी है कि आप अस्तबल खुलवा करके, कटेन डलवा करके, चारों तरफ से छड़द्वारी लगवा करके, आप उन बैल गायों को उसमें बुलवा करके और एक वैकेंसी निकालिए, चारा काटने वालों की, चारा डालने वालों की, औदी साफ करने वालों की, गोबर उठाने वाले की। मैं गोबर उठाने वालों में सबसे पहले वैकेंसी में उसको फार्म का डालूंगा, क्योंकि मैं एकदम बेहद परेशान हो गया हूं। तब तक अगर अखिलेश भैया होते तो मैं कहीं पुलिस के या फिर तमाम में कोई ना कोई नौकरी पा जाता। आप नौकरी नहीं देंगे, आप यही योजना कीजिए, क्योंकि मैं एकदम बेहद दुखी हूं भैया मेरी। आप लोग बातों को सुनिए और इस शेयर को इतना मजबूत कीजिए आप लोग कि हर जगह, हर यूट्यूब पर ये फैल जाए, हर चैनल पर ये आए। मैं ये चाहता हूं कि ये बताइए आप लोग कि काम टका की नहीं करे बात करे 10 लाख की, काम टका की नहीं करे बात करे 10 लाख की, जिसकी बीवी खुदे नहीं वही बातें करे तलाक की। आपके हाथे में सत्ता है तिलका के देवतार, आपके हाथे में सत्ता है तिलका के देवतार, अब किसान के फसल ना छोड़िए जोगी जी के साथ। एंटी रोमियो घूम रहे हैं गांव गली चौबारे, आप प्यार मोहब्बत उई का जाने जे खुद पड़े कुआरे।
पीएम बोले पीए से अब कहाँ कदौरा बाकी है, पीएम बोले पीए से अब कहाँ कदौरा बाकी है, पीए बोला पीएम से अब दिल का दौरा बाकी है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा YouTube पर इतना शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि मेरी ये जो है ये इमरान भाई के पास मेरा ये चला जाए, ताकि वो सुने और मुझे भी अपने साथ लिवा चल के शायर पढ़वाए। मैं क्योंकि एक शायर बनना चाहता हूँ, मैं एकदम उब गया हूँ, मैं नौकरी मुझको मिल नहीं रही है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मेरे साथियों सुनिए आप उसको। ये बेबसी जो लाई है प्रदेश में, इसका अंजाम 2019 होगा। ये जो बेबसी लाई है तुम प्रदेश में, अंजाम होगा 2019 में। आप सभी को एक होना पड़ेगा यारो, अखिलेश भैया को जीता ना होगा यारो। ये जो तुम किसानों को जलाओ हुए, क्योंकि अखिलेश भैया को आना होगा, क्योंकि अखिलेश भैया को आना होगा। अब इसके पहले एक बात और मेरी सुन लीजिए आप लोग, ये इनका जो भी ढोंग दतूरा है, इन्होंने कहा था कि मैं गंगा सफाई अभियान करा दूंगा। मेरे हिंदू भाइयों, आप लोग इनसे एकदम सतर्क हो जाओ, ये क्योंकि जात पात के नाम पर हमको आपको बर्बाद करते हुए आ रहे हैं। हमारा गांव, हमारा क्षेत्र, हमारा देश शांति एकता का प्रतीक है, हम लोग आपस में मिल बांट के रहते हैं, हमको आपसे दूरी बनाना चाहते हैं। जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, सारे पत्रकारों के सामने लोगों ने अपने घर से निकल के आके वहां के लोगों ने कहा था, मीडिया के सामने कहा था कि जो इसमें दंगा हुआ था हमारा नुकसान हुआ था, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई, हम लोग अपनी गलती स्वीकार करते हैं, इसलिए आप लोग किसी जात पात पे न जाइएगा और जात पात के नाम पर न जाइएगा, आप लोग एक होकर रहिएगा, जहां भी रहिएगा मिल बांट के रहिएगा। मेरे साथियों, मैं तो ये जानना हूं कि पहले कहते थे वो माननी, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप लोग जान जाएंगे, क्योंकि आप लोग सुनिए बस। चाय करते थे अब चाय करते थे, अब गाय करते हैं। चाय करते थे अब गाय करते हैं, आज चाय करते थे अब गाय करते हैं। आ जागे हैं लालू जी जब से, मोदी जी हाय हाय करते हैं। जागे हैं लालू जी जब से, मोदी जी हाय हाय करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अब मैं साथियों आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं अनुरोध करना चाह रहा हूं, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन को देने के बाद शायद मैं जीवित रहूं या न रहूं, लेकिन आप लोग इसको इतना शेयर कर देना ताकि मेरी आवाज हर जगह, हर प्रदेश में, हर देश में फैले। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इतना आप लोग शेयर करो, और कोई भाई अगर इमरान भाई साहब जो प्रतापगढ़ के हैं, अगर उनके यहाँ मेरी आवाज जाए तो आप लोग पहुंचाने का कष्ट करेंगे, क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा भाइयों, आरएसएस का नाम तो मैं लेना नहीं चाहता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आरएसएस जो ऐसा है कि मैं कुछ नहीं उसके बारे में कहूंगा, आरिफ बाप देश को बर्बाद कर रहा है, आरएसएस इंटरप्राइजेस, ये तमाम आप लोगों से अनुरोध है भैया वहाँ पर पहुँचाइएगा। और मैं एक ये कहना चाहता हूँ, चलिए ठीक है, अभी यहीं पे आपकी बात खत्म होती है, कीजिए, मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय अखिलेश, जय समाजवाद, जय हिंद, जय भारत।